दुनिया का पांचवा आधुनिक वंडर वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को में है, द गोल्डन गेट ब्रिज। द गोल्डन गेट स्ट्रेट सैन फ्रांसिस्को बे और पैसिफिक ओशन के बीच लगभग 1600 मीटर चौड़ी चैनल है। 1920 के दशक में सिर्फ फेरी से इसको पार किया जा सकता था और 1929 के आते आते फेरी से सफर करने वाले लोगों और सामान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। शहर ने एक जाने माने आर्किटेक्ट जोसेफ स्ट्राउस को सैन फ्रांसिस्को बे और ओकलैंड सिटी को जोड़ने वाले ब्रिज को डिजाइन करने का काम सौंपा। लेकिन तेजी से बहते पानी पर पुल बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी और उसके लिए उन्हें एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत थी जो उस असंभव ब्रिज को खड़ा कर पाता। इस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए स्ट्राउस को एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये दो टावर वाला विशाल सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें 6 लेन सुपर हाईवे जो 2.7 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इतना लंबा ब्रिज पहले कभी नहीं बनाया गया। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। जनवरी 1933 में काम शुरू हुआ। दो बड़े टावर्स और हर एक का वजन 22,000 टन है और ये पानी से 227 मीटर ऊपर है। यह ब्रिज का सारा वजन उठाएंगे। लेकिन एक समस्या है, ये टावर्स टेक्टोनिक प्लेट पर खड़े हैं। सैन फ्रांसिस्को ने जानलेवा भूकंप अनुभव किए हैं। सिर्फ 30 साल पहले 1906 में रिक्टर स्केल पर 7.9 डिग्री के भयानक भूकंप ने शहर को तबाह कर दिया था। सैकड़ों बिल्डिंग्स गिर गईं और 3,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 80% से ज्यादा शहर बर्बाद हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में 1906 का भूकंप सबसे खतरनाक था। सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आते रहते हैं। रोजाना लगभग 20 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह शहर दो टकराती हुई कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ठीक ऊपर बसा है, जिसका मतलब है कि भयंकर भूकंप आना तो तय है। इंजीनियर्स को यह पक्का करना है कि गोल्डन गेट ब्रिज उस बड़े भूकंप का सामना कर सके। उन्होंने वाटरप्रूफ वॉल्स को समुद्र में डाला और पानी बाहर निकालकर सी फ्लोर में गहरे होल्स किए। फिर उन्होंने होल्स में 150 टन कंक्रीट डालकर पानी के नीचे मौजूद चट्टान पर मजबूत फाउंडेशन बनाई। उन्होंने ऊपर दो 227 मीटर ऊंचे स्टील टावर्स असेंबल किए और उन्हें लगभग 1,30,000 किलोमीटर लंबे स्टील वायर से जोड़ा। आखिर में इंजीनियर्स ने केबल को एंकर करने के लिए कंक्रीट ब्लॉक्स किनारों में गाड़ा, जिससे दुनिया का सबसे शानदार सस्पेंशन ब्रिज स्थिर खड़ा रह सके। 1989 में सैन फ्रांसिस्को शहर की फिर से परीक्षा हुई। 6.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने पूरे शहर को जड़ से हिला दिया और उसका नतीजा यह निकला कि ओकलैंड बे ब्रिज को नुकसान पहुंचा। एक ड्राइवर की जान भी गई। लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित रहा। भूकंप बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो बिना किसी के चेतावनी के आते हैं, लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज गर्व के साथ खड़ा है और पूरी ताकत से कुदरत के गुस्से को झेल रहा है। इस शानदार ब्रिज का निर्माण 20वीं सदी के इंजीनियरिंग वंडर्स में से एक है। इस ब्रिज ने डिजाइन की एक नई मिसाल कायम की और दुनिया को दिखाया कि अमेरिका कुदरत द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना कर सकता है।